फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज फॉर ऑल. डिसेबिलिटी फ्रेंडली इसलिए हम कहते हैं क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन यूज इट वेल. जैसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे आप हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. तो अब इसमें यह है कि सिंपल मॉडिफिकेशन के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है और वो उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट में. इसमें पहली देखिए कि ये आपको रैंप नजर आ रही है, इट्स वेरी स्टीप. अभी THQ का एक हॉस्पिटल मैंने विजिट किया और वो अभी नया बना है, उसका इतना स्टीप था, एक फ्लोर का पूरा डिफरेंस उससे इतना कवर किया था. हमारे साथ जो एक्सेसिबिलिटी ऑडिट के थे उन्होंने अपनी ऊपर से व्हील चेयर छोड़ दी. अब व्हील चेयर जब नीचे आई तो वो शुक्र है कि नीचे कोई मुलाजिम था तो उन्होंने उसको फौरन जो वो टर्न किया क्योंकि आगे से नहीं लगी थी. तो इट शुडंट बी दैट स्टीप. तो बेसिक फार्मूला जो हम हेल्थ प्रोफेशनल्स को देते हैं वो ये है कि 1:20 खटक इज इट राइट, 1:20 अगर 1 inch राइज है दैट्स द राइज. अगर ये राइज है इस 1 inch का डिफरेंस है लेवल का तो 20 जो है वो होना चाहिए, 20 feet होना चाहिए, सॉरी 1 feet है. तो अगर 1 inch है तो ये आइडियल है. अगर कम करते करते भी आप आ जाएं तो 1:12 का रेशियो जो है वो आना चाहिए. अब उसके बाद ये जो आपने 120 कहा था ये यूनिवर्सल डिजाइन, दैट्स यूनिवर्सल डिजाइन. और जो 112 है वो रीजनेबल अकोमोडेशन में. और 1:8 की रेशियो हो तो इट्स हैजर्डस और वो तकरीबन 1:5 तक होगा. अगर आप इस की देखें तो ये जो इंक्लाइनेशन है, जो एंगल बन रहा है, ये ऑलमोस्ट 70 का एंगल है, जबकि आइडियल यूनिवर्सल डिजाइन का है. तो अगेन के एक्सेसिबल जो ऑडिट है वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही करें तो बेहतरीन है, बट स्टिल सिंपल मॉडिफिकेशन जैसे अभी मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है तो यू कैन डू दैट. नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है सीढ़ियों का साइज. हम अक्सर जो है वो उसका राइजर जो है वो हम 12 inch 10 inch तक रखते हैं. उसमें आपका जो आर्थराइटिस का पेशेंट है, आपका सॉरी एक एक्सरसाइज थी कि आप अपने डिसेबिलिटी के अलावा भी जो ग्रुप्स हैं रिस्क उनको आइडेंटिफाई करें. तो अभी हम इसको क्योंकि टाइम होने वाला है चाय का. एक मिथ भी है ना कि हर इंसान ने जो है ना डिसेबल होना है अपनी लाइफ में, हर इंसान ने डिसेबल होना है. जैसे ही हम आयु में बढ़ती है नजर कम